नमस्कार फ्रेंड्स, 5 अगस्त 2020 का ये दिन एक उल्लास का दिन है, एक खुशी का दिन है। पूरे देश में उल्लास और खुशी रहेगी क्योंकि इस दिन का इंतज़ार सालों से नहीं, दशकों से किया जा रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो घड़ी आ चुकी है, पर वो घड़ी की शुरुआत ज़रूर हो गई है। उस समय की शुरुआत हो गई है जिस समय का इंतज़ार हम लोग इतने दिनों से कर रहे थे, इतने सालों से कर रहे थे। देश भर के बड़े बड़े साधु संत पंडितों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि अथवा रामलला मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। तो आइए इस वीडियो के जरिए राम मंदिर, अयोध्या के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंफरटेनमेंट बिकॉज नॉलेज इज पावर। तो आइए अयोध्या से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री और फैक्ट्स को जान लेते हैं, अयोध्या के इतिहास को जान लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। विष्णु ने ब्रह्मा, मनु, विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ को राम अवतार के लिए भूमि चयन करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। इन सारे लोगों ने मिलके सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी का चयन किया। विश्वकर्मा ने अयोध्या नगरी की निर्माण की। अयोध्या के पहले राजा इक्ष्वाकु थे। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के 64वें राजा थे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम का जन्म 7000 साल पहले 5114 बीसी में हुआ था। भगवान राम का जन्म अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था और उनकी माँ का नाम रानी कौशल्या था। सिर्फ अयोध्या का जिक्र हिंदू धर्म में नहीं आता है, अयोध्या का जिक्र बौद्ध और जैन धर्म में भी आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के फाइंडिंग्स के मुताबिक अयोध्या में सिर्फ हिंदू धर्म के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बौद्ध धर्म के भी साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ की भी फाइंडिंग्स मिलती है, जैन धर्म की भी फाइंडिंग्स मिलती है। और जैन धर्म के तो 5 तीर्थंकर अयोध्या से ही आते हैं। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। तो आइए जो भी फैक्ट्स हमारे पास है राम मंदिर के रिलेटेड, जो भी फाइंडिंग्स है हमारे पास राम मंदिर के रिलेटेड, उसे एक राम मंदिर की हिस्टोरिक टाइमलाइन बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि राम मंदिर कहाँ से शुरू हुआ था और आज कहाँ पे खड़ा है। जो भी फैक्ट्स और फाइंडिंग्स हमारे पास मौजूद हैं उससे ये पता चलता है कि राम मंदिर का पहला इंस्टेंस, राम मंदिर का पहला जिक्र सम्राट विक्रमादित्य के टाइम में मिलता है। ऐसा कहते हैं कि राम जन्मभूमि पे पहला मंदिर सम्राट विक्रमादित्य ने 2100 साल पहले बनवाया था। यह एक भव्य मंदिर था जो कि 84 ब्लैक स्टोन पिलर्स पे खड़ा था। ये मंदिर काले पत्थरों के पिलर से ये मंदिर बनाया गया था। समय समय पे अलग अलग राजाओं ने राम जन्मभूमि पे जो मंदिर था उसका रिकंस्ट्रक्शन कराया, उसे रिमॉडल कराया। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे हैंस टी बेकर, उनके मुताबिक गढ़वाला ने 11th सेंचुरी एडी में अयोध्या को फिर से बनाया था और भव्य बनाया था। उन्होंने भगवान विष्णु के बहुत सारे मंदिर बनाए थे क्योंकि वो लोग वैष्णव थे जो कि भगवान विष्णु के फॉलोअर्स होते हैं, डिसाइपल्स होते हैं। और हैंस टी बेकर के मुताबिक उनमें से एक वो भी मंदिर था जो कि राम जन्मभूमि मंदिर था, जहाँ पे रामलला का जन्म हुआ था। उस मंदिर का भी रिकंस्ट्रक्शन गढ़वाला ने 11th सेंचुरी एडी में कराया था और ये मंदिर तब तक मौजूद था जब तक बाबर के कमांडर मीर बाकर ने 1528 में उस मंदिर को तोड़ के डिमोलिश करके वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण किया और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। फ्रेंड्स, जितना ही लंबा राम मंदिर का इतिहास है उतना ही लंबा इतिहास राम मंदिर पे चले केस का भी है। तो चलिए हमारे पास जो भी फैक्ट्स और फाइंडिंग्स मौजूद हैं उससे राम मंदिर पे चले उससे रिलेटेड सारे केस की एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, हम लोग उससे जुड़े फैक्ट्स डिस्कस करते हैं इस सेगमेंट में। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले कहा, राम मंदिर का इतिहास जितना पुराना है, राम मंदिर से रिलेटेड
कोर्ट केस का भी इतिहास उतना ही पुराना है। पर हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो इंडिपेंडेंस के बाद का डिस्कस करेंगे, ब्रिटिश टाइम से जो भी चला आ रहा है वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। 22 दिसंबर 1949 को राम लला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के सेंट्रल डोम में प्रकट हुई। ऐसा कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सेंट्रल डोम था वहाँ पे राम लला की मूर्ति प्रकट हुई 22 दिसंबर 1949 को। मूर्ति प्रकट होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उस समय के सिटी मजिस्ट्रेट ने पूरे विवादित एरिया को लॉक कर दिया। बस एक पुजारी को अनुमति दी गई कि आप जाके वहां पे रामलला की मूर्ति का पूजन कर सकते हैं। पर इस आंदोलन की शुरुआत 1983 में हुई जब एक कांग्रेस के लीडर दाऊ दयाल खन्ना ने हिंदू सोसाइटी को एकत्रित किया ताकि अयोध्या में राम मंदिर के लिए एक मुहिम चलाई जा सके। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो से आप एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ कुछ नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स रिज्यूम द इंफोटेनमेंट। राम मंदिर निर्माण को लेके जैसा आह्वान कांग्रेस लीडर दाऊ दयाल शर्मा ने किया था, वैसा ही आह्वान 1984 में हुए प्रथम धर्म संसद में भी किया गया और साथ ही वहां ये संकल्प लिया गया राम मंदिर बनवाने को लेके, और साथ ही एक जन जागरण यात्रा की भी शुरुआत की गई। 1984 में ही VHP ने भी इसी मुद्दे पे एक राम जानकी यात्रा निकाली जो कि सीतामढ़ी बिहार से अयोध्या तक की एक रथ यात्रा थी। यात्रा की सफलता को देखते हुए फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज ने एक लॉयर के पिटीशन पे सुनवाई करते हुए विवादित स्थल पे सारे ताले खोलने की अनुमति दे दी। उन वकील का नाम उमेश चंद्र पांडे है। फिर 1989 में हुए धर्म संसद में यह निर्णय लिया गया कि मंदिर बनाने के लिए राम शिला प्रेयर प्रोग्राम सारे देश में चलाया जाएगा। अब आते हैं 1990 में मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की शुरुआत की गई और 1990 में ही अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली राम मंदिर निर्माण के लिए जो कि सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा थी। पर उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को कार सेवकों द्वारा गिरा दिया गया। उसके बाद माहौल कुछ खराब हो गया। तब उसको देखते हुए 7 जनवरी 1993 को संसद में एक अधिनियम पास कराया गया सरकार द्वारा, और इस अधिनियम के कारण सरकार ने उस सारे विवादित स्थल को अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1993 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक पिटीशन दायर किया गया। उस पिटीशन के मुताबिक वहां विवादित स्थल पे पूजा की अनुमति मांगी गई और वो अनुमति इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा दे दी गई। फिर आते हैं हम 1995 से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच ने इस केस की सुनवाई शुरू कर दी थी और साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया कि राम मंदिर से जुड़े साक्ष्य और प्रमाण ढूंढे जाए उस विवादित स्थल में। 1995 के बाद से इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस पे सुनवाई चलती रही। 2010 में जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में फाइनल वर्डिक्ट सुनाया जिसके मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को 3 भाग में बांट दिया। एक भाग उन्होंने रामलला को दिया, दूसरा भाग उन्होंने निर्मोही अखाड़े को दिया और तीसरा भाग उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया। पर इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत ही चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये केस अपील में जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को खारिज कर दिया गया और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई चलती रही। फाइनली 2018 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग जल्द से जल्द इस केस का निपटारा करेंगे, इसकी लगातार सुनवाई करके इसको जल्द से जल्द हम लोग इस केस को रफा दफा करेंगे। और फाइनली 9 नवंबर
2019 वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला देते हुए वहाँ राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी। अयोध्या में जो विवादित स्थल था वहाँ राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी, और साथ ही सरकार को ये निर्देश दिया कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन प्रोवाइड की जाए मस्जिद बनाने के लिए, जहाँ पे भी वो उचित समझें। और इसी के साथ ये हमारे देश के इतिहास का सबसे पुराना, सबसे चर्चित, सबसे विवादित केस का समापन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऐतिहासिक डिसीजन दिया उसी का फल है कि 5 अगस्त 2020 को वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का इंतज़ार लोग बरसों से कर रहे थे। राम मंदिर बनाने की शुरुआत होने जा रही है 5 अगस्त 2019 से, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी उस राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए सरकार ने एक राम मंदिर कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी के गठन के बाद विचार किया गया कि कैसे कैसे राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, कब से उसकी निर्माण की शुरुआत की जाएगी, और एक धर्म संसद का आयोजन किया गया जिसमें 5 अगस्त 2020 को एक शुभ दिन मानते हुए, शुभ घड़ी मानते हुए भूमि पूजन, मंदिर के लिए जो भूमि पूजन होता है और शिलान्यास का यह दिन तय किया गया। और ये दिन है जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सारे देशवासियों के सामने, वहाँ पे मौजूद सारे बड़े बड़े साधु संतों के सामने राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, और राम मंदिर की निर्माण शुरू हो जाएगी। और फिर देशवासियों को इंतज़ार रहेगा कि किस दिन वो भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो और सारे देशवासी उस मंदिर में जाके रामलला के दर्शन कर पाए और वहाँ पूजन कर पाए और अपने आशीर्वाद ले पाए रामलला से। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक वहाँ पे बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप इस वीडियो को टाइम पे देख पाएं जो भी हम नई वीडियो डालेंगे। तो एक बार फिर से क्विजनेक्स की आज की वीडियो को, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।